एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं साड़ी हॉल आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। आप सभी को पता है कि मैं साड़ियों की कितनी बड़ी एडिक्टर हूँ, मैं कितनी सारी साड़ियाँ शॉपिंग करती हूँ, कितनी सारी साड़ियाँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो देख ही रहे होगे कि मैं बहुत ज़्यादा साड़ी परचेस करती हूँ। और इसी सेगमेंट में आप सभी के साथ आज शेयर करने वाली हूँ मैं फ्लिपकार्ट साड़ी हॉल। तो एक्साइटमेंट का लेवल आपके साथ साथ मेरा भी है, क्योंकि जो साड़ियाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसकी क्वालिटी अमेजिंग है, कलर अमेजिंग है। एंड सबसे अच्छी बात, जब आप पहनोगे ना, किसी भी एज के हो आप पहनते हो ना, तो आप अमेजिंग लगोगे। जी हाँ, अगर मैं लग सकती हूँ तो आप भी लग सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली साड़ी अगर बात करूँ तो वो ये है, और ये बहुत अच्छे से पैक्ड होके आया था, बहुत अच्छे से। मतलब फ्लिपकार्ट से जब आप सामान खरीदते हो तो सामान बहुत अच्छे से पैक होके आते हैं। बट मैंने इसको पहना वगैरह, देखा पहना तो खोलना तो पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप देख सकते हो कि ये बहुत ही देखने में खूबसूरत साड़ी है। कलर की बात करो तो ये एक ऐसा कलर है जिसको किसी भी एज की फीमेल्स पहन सकती है, खासकर जो न्यूली ब्राइड है वो पहन सकती है। अब भाई मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं किसी भी एज में रहूँगी ना, मैं साड़ियाँ मतलब चटकदार कलर, सारे कलर जो होते हैं ना, मैं पहनना पसंद करती हूँ। मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है स्पेशल कि इस एज में आके ये कलर छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर कलर को पसंद करती हूँ और अपनी होल लाइफ सारे कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। तो क्वालिटी आप इस साड़ी की देख सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये साड़ी हैवी साड़ी है, मतलब भारी है और इसमें वेट है थोड़ा। तो हल्की जो साड़ियाँ होती है वो क्या होता है ना कि थोड़े दिन पहनने के बाद वो ऊपर चढ़ने लगती है, देखा होगा आप लोगों ने, सिकुड़न शुरू हो जाती है उसमें। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये हैवी है, ऊपर से जो इसका नीचे का ये बॉर्डर है ना, पार्ट जिसको बोलते हैं, ये भी हैवी है। तो अगर हैवी नीचे, जब आपके कपड़े हैवी रहते हैं ना, तो उसका ऊपर चढ़ने का सवाल ही नहीं है। इसकी साड़ी और ये इसका ब्लाउज पीस है, ये इसका ब्लाउज पीस है, इसमें अटैच्ड है, मैंने इसको काटा नहीं है। साड़ी की लेंथ की बात करूँ तो ये 6.25 मीटर की साड़ी है, जिसमें इंक्लूड ब्लाउज पीस है। नॉर्मली आपकी हाइट अच्छी भी हो तो 5.5 मीटर की साड़ी आपको चलती है, और ये 6.25 मीटर की है। 6.25 मीटर से थोड़ा ज़्यादा ही है, पर मैंने ब्लाउज पीस नहीं काटा है क्योंकि मैं कंट्रास्ट में इसको पहनती हूँ। करें साड़ी की, तो आप देख सकते हो इसका बॉर्डर कितना खूबसूरत है, गोल्डन वर्क है, प्लस ये जो है पिंक कलर, बहुत ही खूबसूरत सा पिंक कलर है जो मुझे बहुत पसंद है। बीच की बात करूँ तो बीच में आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा अच्छा आपको, मतलब इसमें ना बहुत अच्छे से डिज़ाइन को दिखाया गया है, बहुत ही अच्छा। जब आप पहनोगे तो इसका जो लुक है ओवरऑल समझ में आएगा। और ये पूरी साड़ी है, अगर मैं इसके आँचल की बात करूँ तो ये इसका आँचल है जो काफ़ी हैवी है और अच्छी साड़ी है। मतलब मैं अभी हाथ में रखी हूँ ना, तो ये साड़ी मुझे दर्द हो रही है। अब इस साड़ी को आप पहन कब सकते हो, देखो कोई भी फंक्शंस में पहन सकते हो, बहुत लोग एवरीवेयर में भी पहनना पसंद करते हैं। जो लोग न्यूली मैरिड है वो तो ऑल टाइम कभी भी पहन सकते हैं, मैं तो कभी भी पहन लेती हूँ साड़ी, मेरा साड़ी पहनने का कोई टाइम नहीं होता है। तो ये साड़ी ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आई। प्राइस जो होगी, जो डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर लेना, ये साड़ी आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, मीशो पे भी मिल जाएगी और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। तो सारी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने जब लिया था तब अलग प्राइस हो सकता है, आप जब लोगे तो अलग प्राइस हो सकता है, तो मेक श्योर कि ये ध्यान रखना। प्राइस की बात रही तो प्राइस मैं अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने खरीदा होगा तो कुछ और प्राइस था, जब आप खरीदोगे तो हो सकता है कुछ और प्राइस हो, अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। बट ओवरऑल बोलूँगी कि बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको एक अच्छी साड़ी मिल जाएगी। अब चलिए मैं दूसरी साड़ी आपको दिखाती हूँ। तो दूसरी साड़ी जो है वो है ये भी बहुत ही खूबसूरत सा, ये भी येलो है और ये भी येलो है, लेकिन दोनों साड़ी का ना येलो, मतलब ये येलो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस साड़ी का लेने का मेन रीज़न था ये वाला ब्लू कलर का बॉर्डर, क्योंकि मेरे पास अभी तक ऐसी कोई साड़ी नहीं थी जिसमें ब्लू कलर का बॉर्डर हो, और मुझे ये साड़ी इसलिए बहुत पसंद है। वेट की अगेन बात करूँ तो ऐसी ही है, वेट बहुत अच्छी खासी हैवी साड़ी है और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। अच्छा, सबसे पहले मैं दिखा दूं कि इसका जो पल्लू है ना, इसमें टेसल्स लगे हुए हैं जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। ये रहा इसका पल्लू, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ।
इसमें भी ब्लाउज पीस आपको मिलेगा, ब्लाउज पीस काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो। आप किसी भी साइज़ के हो, चाहे एक्सेल आते हो या फिर डबल एक्सेल या ट्रिपल एक्सेल, तो भी ब्लाउज पीस इतना दिया जाता है कि आपका जो बॉडी है उसमें फिट आ जाए। तो काफ़ी अच्छा खासा, मतलब ऑलमोस्ट 1 मीटर की उतना ब्लाउज पीस इसमें दिया है। बॉर्डर की बात करूँ तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा बॉर्डर है, ये नीचे का बॉर्डर है, ठीक है। और ऊपर की अगर बॉर्डर की बात करें तो ये है जो कमर में जाती है, वो ये बॉर्डर है। ये टोटली ब्लाउज पीस है और बहुत ही खूबसूरत सा साड़ी मुझे लगता है, कसम से। जब मैंने पहना था ना, इंस्टाग्राम पर इसका फोटो भी डाला है, जब इसको पहनी थी तो माइंड ब्लोइंग लग रहा था। और पता है, साड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इंडिया में जिस भी कोने में रहते हो, उस ट्रेडिशन से आप स्टाइल कर सकते हो। मीन्स जैसे बंगाल में साड़ी पहनने का पैटर्न अलग होता है, महाराष्ट्र में अलग होता है, गुजरात में अलग होता है, साउथ इंडिया में अलग होता है। तो हर साड़ी का, हर जगह पे पहनने का पैटर्न सभी का डिफरेंट होता है। तो ये साड़ी आप वैसी साड़ी में से है, आप किसी भी स्टाइल में साड़ी इसको पहन सकते हो, चाहे बंगाली स्टाइल पहनो, चाहे आप मराठी स्टाइल पहनो, तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगने वाली साड़ी है। ये साड़ी भी आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो पे आराम से मिल जाएगा। साड़ी होती है तो मुझे ना कंट्रास्ट करके पहनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ना मेरी जैसी हाइट है, मेरी जैसी बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें ना कंट्रास्ट कपड़े मुझे लगता है कि मेरे ऊपर बहुत सूट करते हैं, और कंट्रास्ट कपड़ों में आप उभर के आते हो, तो इसलिए मैं वैसे पहनना पसंद करती हूँ। आप लोग साड़ियों को किस तरीके से पहनते हो मुझे कमेंट में लिखना, दोनों साड़ी में से आपको कौन सी साड़ी पसंद आई है मुझे ज़रूर बताना। ओवरऑल ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। आप लोग मुझे बताना कि आप किस टाइप की साड़ी पसंद करते हो, किस टाइप से इसको पहनना पसंद करते हो, सारी चीज़ें मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना, जिससे कि हमें और भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ डालती रहती हूँ। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।